बरेली में एम्बुलेंस कर्मियों की अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। छठे दिन भी एम्बुलेंसों के पहिए थमे रहे, जिसके चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस कर्मियों ने 23 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर 26 जुलाई से कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। दरअसल एम्बुलेंस की 108 और 102 सेवा को पहले जीवीके कंपनी संभाल रही थी, लेकिन अब इसका जिम्मा नई कंपनी जिगिजा को दे दिया गया है। नई कंपनी नए लोगों की भर्ती कर रही है, इसके चलते पहले से एम्बुलेंस में कार्य कर रहे कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया है, जिसे लेकर एम्बुलेंस कर्मी इसका विरोध कर रहे हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि सरकार ने अभी तक उनकी कोई मांगे नहीं मानी हैं, जबकि एम्बुलेंस कर्मी कोरोना योद्धा रहे हैं और कोरोना काल में जान हथेली पर रखकर काम किया था, लेकिन अब उसे भुलाकर हमें रास्ते पर ला दिया गया है। उनका आरोप है कि प्रशासन के जरिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है कि ठेका प्रथा को खत्म किया जाए और उन्हें NHM में सम्मिलित किया जाए, ताकि भविष्य में उनकी नौकरी सुरक्षित रह सके। देखिए, 23 तारीख से हम शांतिपूर्वक धरना दिया था हमने 25 तक, फिर भी हमारी सरकार या कंपनी ने कोई वार्ता नहीं सुनी। फिर 26 से हमने कार्य बहिष्कार किया, उसके बावजूद भी जनमानस को कोई दिक्कत ना हो तो हमने अपनी गाड़ियाँ कुछ हर तहसील पे चलवाई, लेकिन आज हमने हर ब्लॉक पर एक गाड़ी चलवा दी है, जिससे जनमानस को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमारी अभी कोई मांग नहीं मानी है, सरकार हमारी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही है, जबकि हम कोरोना योद्धा रहे हैं। कोरोना में हमने जिस तरह से जान हथेली पर लेकर काम किया है, वो सब भूलकर हम लोगों को रास्ते पर ला दिया गया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऊपर से हम पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रशासन से दबाव बनाया जा रहा है, जेल में डालने का दबाव बनाया जा रहा है। ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी से वहाँ से जब तक कोई आदेश नहीं आता, तो अभी 102 एम्बुलेंस हैं वो अभी कार्य नहीं कर रही हैं। बाकी हर ब्लॉक पर हमने एक गाड़ी लगा रखी है, 17-18 गाड़ियाँ हमारी बरेली में काम कर रही हैं, जिससे जनमानस को कोई प्रॉब्लम ना हो।